हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंशल एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल द इनसाइड कोडर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हैं चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाली हैं अलग अलग टीसीएस एनक्यूटी से रिगार्डिंग, कोडविटा से रिगार्डिंग। और आज हमारे पास चार स्लॉट्स में एग्जाम था, 10 to 11 इन द मॉर्निंग, 1 to 2 इन द आफ्टरनून, आफ्टर दैट 4 to 5 जिसकी वीडियो बन रही है, और इसके अलावा एक और स्लॉट है अभी 7 to 8। तो इन सारे स्लॉट्स में सुबह से लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे जा रहे हैं आपके लिए कि आपको समझ आए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिकॉज यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी सारी कंपनीज में एक्चुअल में यूज होते हैं। बस आपकी तरफ से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए काम की बात पर चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास 4 to 5 के में आया था कि आपको फाइंड करने के कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और करेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन आज तक अभी एनक्यूटी में नहीं आया होगा। जरा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। आपके पास ना कुछ इनपुट थी, आपको इस इनपुट में बताना है कि कितने वर्ड्स हैं। वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे एक स्टेटमेंट है कि लता इज एन इंग्लिश टीचर इन प्राइमरी स्कूल, तो कितने वर्ड्स हैं। लता एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, फिर एन, फिर इंग्लिश, फिर टीचर, फिर इन, फिर प्राइमरी, फिर स्कूल। कैसे पता लग रहा है कि एक वर्ड है, क्योंकि ये सारे स्पेस सेपरेटेड है। तो हम बोल सकते हैं जो भी स्पेस सेपरेटेड, जितने भी स्पेसेस हैं उससे सेपरेट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कितने हैं, वर्ड्स हैं। इसके अलावा बात आती है कि कितने करेक्टर्स हैं। करेक्टर्स इन्होंने क्या बोला है स्पेशल कि आपको इंक्लूड करने हैं स्पेसेस भी। तो करेक्टर फाइंड करना तो हद से ज्यादा आसान था। इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन, हमें इनपुट लेनी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है। तो इनपुट 1 को हमने स्प्लिट करा ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेस, क्योंकि मैंने कुछ भी पास नहीं करा तो हमेशा स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट करेगा, और साइड बाय साइड उसकी लेंथ भी फाइंड कर ली, क्योंकि ये मेरे को एक लिस्ट देता कि कितने मेरे पास वर्ड्स आए हैं। तो वर्ड्स हमारे पास इस रिजल्ट नाम के लिस्ट में था, उसको मैंने सबसे पहले प्रिंट करा दिया, जो वर्ड्स प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास काम था कि हमारे पास कितनी लेंथ है, कितने वर्ड्स है। तो हमने, क्योंकि स्पेस भी रिक्वायर्ड था, तो हमने क्या करा, सीधा लेंथ फंक्शन यूज करा, उसने डायरेक्ट हमें वर्ड्स करेक्टर्स को कैलकुलेट करके बता दिया। सेकंड जो अप्रोच मैं यूजुअली फॉलो करना पसंद करती हूँ, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो काम बहुत आसान कर देते हैं। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैं कह रही हूँ आसान है और ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, हाँ नो डाउट, बट मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान लगते हैं और बहुत ज्यादा काम की चीज है। रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट करो। रेगुलर एक्सप्रेशन में फाइंड ऑल का ऑप्शन होता है, उसमें आपको बस डब्ल्यू प्लस डिनोट करना था, वो अपने आपको वर्ड्स कैलकुलेट करके दे देगा। और जैसे कि मैंने बताया लेंथ के थ्रू आप डायरेक्टली इसका लाइक फाइंड तो कर ही सकते थे कि कितने लेंथ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक आसान क्वेश्चन था बट उसको हल्का सा मुझे ही बनाने में थोड़ा सा टाइम डिनोट करना पड़ा। जरा देखते हैं मेरा क्या लॉजिक है, उसके अलावा मुझे बताना कि आप अपने कॉन्सेप्ट, आपने क्या लॉजिक्स यूज करें। वेल दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।